की बात करो ना यार, तुम लोगों की धार्मिक एक्टिविटी तो खत्म ही नहीं होती। सर बचा ले, अपनी मांग में लगे सिंदूर को बचा ले। इस इंसान ने तो चिल्ला कर डरा ही दिया। बाबा कुछ कह रहे सुने तो? हाँ बताइए बाबा, आप क्या कह रहे थे? बच के रहो, कोई नजर डाल के रखा है इस औरत पर, इनके जोड़े को अलग करना चाहता है। सावधान रहो, सतर्क रहो, सिंदूर खतरे में इसका, वरना कोई है जो इसका संसार बिखेर के रखना चाहता है। ओ बाबा जी इधर आइए, सामने ये लीजिए। अब ठीक है ना सर? समझ ले, रिश्तों में दूरी अच्छी है, लेकिन तभी तक जब वो ज्यादा ना हो जाए, और नजदीकी अच्छी तभी तक जब वो ज्यादा ना हो। हमें जब हम निकलने वाले होते हैं तभी एक बाबा जी आ जाते हैं और बहुत वार्निंग देते हैं कि तुम्हारे सिंदूर को बचाओ, किसी की बुरी नजर है। तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, मैं और मंगल की किसकी बुरी नजर है, और अचानक से बाबा जी आकर बोल रहे हैं जरूर कुछ बात है। तो वो समझ में आ जाता है कि सौम्या है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते, और आदित्य कवर करने के लिए बोलता है कि चलो चलो, ये सब तो बोलते रहते हैं, अंधश्रद्धा है, यहाँ से चलो। तो अच्छा खासा माहौल है, लेकिन अच्छे खासे माहौल में हमारे मन में शक बैठ जाता है। मंदिर आए हैं, देखो बालों में गजरा वजरा भी हमने लगाया है, मंगल ने भी लगाया है, और बहुत खुश है, अच्छे कपड़े पहन के सज्ज के आए हैं, क्योंकि आज अभी अभी जस्ट मंगल आई है एक कुकिंग कॉम्पिटिशन को जज करके, और वो बहुत अच्छी जज साबित होती है, क्योंकि वो बायस होकर अपना जजमेंट नहीं दे रही है, सही जजमेंट दे रही है कि जिसने अच्छा खाना बनाया उसको जजमेंट दे रही है। साथ साथ में आदित्य को भी अवार्ड मिल रहा है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, पर आदित्य को लगता है कि उसको साथ देने वाली एम्प्लॉई का नाम सौम्या लेगा, लेकिन वो सौम्या का नाम नहीं ले पाता, लेकिन उसको मंगल का नाम लेना पड़ता है। तो साथ में उसको बेस्ट जीवन साथी का अवार्ड भी मिलता है कि भाई सपोर्ट करने वाली साथी का अवार्ड भी मंगल को देना पड़ता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मंगल ने इतने सारे पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों के सामने एक सिंपल अपने भारतीय पोशाक में गजरे लगा के गई, और जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लेकिन अपनी समझ से उसने बहुत अच्छा सब कुछ काम किया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि घर में दो दो ट्रॉफी आई है। हम माता रानी को शुक्रिया अदा करने आए थे कि माता रानी आपके आशीर्वाद से आज ये सब कुछ हुआ है। हम मंदिर में आते हैं, अच्छे मोमेंट बनते हैं आदित्य और मंगल के बीच में, वो सिंदूर लगाता है इतनी पवित्र जगह पे, माता रानी का फ्लावर उसको लगा के देता है कि अच्छा चलो। खिड़की बंद करो ना यार, तुम लोगों की धार्मिक एक्टिविटी तो खत्म ही नहीं होती। सर बचा ले, अपनी मांग में लगे सिंदूर को बचा ले। इस इंसान ने तो चिल्ला कर डरा ही दिया। हाँ कुछ कह रहे सुने तो? हाँ बताइए बाबा, आप क्या कह रहे थे? बच के रहो, कोई नजर डाल के रखा है इस औरत पर, इनके जोड़े को अलग करना चाहता है। सावधान रहो, सतर्क रहो, सिंदूर खतरे में इसका, वरना कोई है जो इसका संसार बिखेर के रखना चाहता है। ओ बाबा जी इधर आइए, सामने ये लीजिए। अब ठीक है ना सर? समझ ले, रिश्तों में दूरी अच्छी है, लेकिन तभी तक जब वो ज्यादा ना हो जाए, और नजदीकी अच्छी तभी तक जब वो ज्यादा ना हो।